तुदा शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों आज मेरे पास एचसीएल का एक लैपटॉप आया है जो कि ऑन हो रहा है और रिव्यूज़ पे मैंने चेक किया तो एक्सटर्नल डिस्प्ले भी आ रहा है पर हमारा जो इंटरनल डिस्प्ले है वो नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे रिपेयर करना है। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जनवरी से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अपने लोग लैपटॉप रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग और ऑल सप्लाई रिपेयर इस तरह के कोर्सेज हम चलाते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई उत्तराखंड से है तो हमको ज्वाइन कर सकता है जिसमें चिप लेवल की हम जानकारी देंगे, सिस्टमेटिक और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रहेगा हमारा इसमें। और अगर कोई बाहर से है तो ऑनलाइन वीडियो भी परचेज कर सकता है हमारा और उसमें हम हफ्ते में आपको जूम पे क्लास भी देंगे। और मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं कोई भी टेक्निकल स्किल अगर आप सीखते हैं तो अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं और अपने साथ वालों को भी आप रोजगार दे सकते हैं। जबकि आप देख रहे हैं मार्केट में सर्वाइव करना आज की डेट में बहुत आसान नहीं है क्योंकि नौकरियां इतनी है नहीं। और अगर आप एजुकेटेड हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप इस काम को सीख सकते हैं और जब आपके हाथ में हुनर आ जाता है तो आप अपने लिए अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड बहुत अच्छा है, आए दिन हमारे आसपास या हमारे घरों में ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है रिपेयर होने के लिए आती है या खराब हो जाती है तो रिपेयर होने आती है तो आप अपना अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टूडेंट के लिए मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल है जिसमें स्टेप बाय स्टेप वो बहुत कुछ सीखेंगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों मैं दिखाता हूँ इस लैपटॉप को। सबसे पहले जो बेसिक इसमें है और मैं इसको पहले एक्सटर्नल डिस्प्ले में भी चेक करता हूँ कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बीजे में ले लेता हूँ मैं इसे। आने के बाद मैं अपनी डीसी पावर सप्लाई को इससे कनेक्ट करूँगा और जो पहले जो मैं दिखाता हूँ इसमें जो सिम्टम्स हैं मैं अपनी सप्लाई को 18 वोल्ट करीब ले लेता हूँ। और ये मैं जब इसको कनेक्ट करता हूँ उसके बाद मैं बीजे भी प्लग कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मेरा ये भी लगा हुआ है डिस्प्ले का केबल और एक्चुअली में ये वाटर डैमेज में था और बहुत दिन से बंद था जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आई है इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमारी पावर लाइट जल गई है और हमारा जो है 18 वोल्ट लेने के बाद जैसे ही मैंने अडाप्टर लगाया तो 0.16 एम्पियर ले लिया। इसका मतलब है कि इसमें वोल्ट इन हो गया है हमारा और लाइट भी जल गया। और ये हमारा ऑन ऑफ स्विच का बटन है तो मैं इसको ग्राउंड बटन से जब इसको टच करता हूँ तो दूसरी ग्रीन लाइट भी जल जाती है और आप देखेंगे यहाँ पे 500-700 करीब एम्पियर ले लिया है। और आप देखेंगे यहाँ पे एचसीएल का लोगो भी आ गया था अभी और आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले आ गया हमारा और यहाँ पे नो बूटेबल डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क नहीं डिटेक्ट हो रही है तो ये हमारा एरर आ रहा है। और आप देखेंगे 0.95 एम्पियर भी ये ले रहा है और लेकिन जो हमारा इंटरनल डिस्प्ले है यहाँ पे हमें कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रही आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम सप्लाई डिस्कनेक्ट कर लेंगे और मैं दिखाना चाहूंगा जो जब मैंने इसे खोला तो ये वाटर डैमेज में था और आपको मैं दिखाऊं इसकी कंडीशन कैसी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना सारा मतलब ये जंक लगा हुआ है और जो इसके हिंज हैं वो भी गल गए हैं और इसके वजह से ये प्रॉब्लम आई है। और आप देखेंगे यहाँ पे भी वाटर ने इफेक्ट डाला है, वाटर डैमेज से हमारा बोर्ड थोड़ा सा गल सा गया है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं इसके डिस्प्ले को अलग कर लेता हूँ यहाँ से और इसका जो बेस है इसको मैं हटा लेता हूँ। ये एचसीएल का है और अब तो खैर ये कम आते हैं रिपेयर होने के लिए लेकिन किसी भी कंपनी के लैपटॉप में लगभग लगभग ऐसी ही प्रॉब्लम आती है और ऐसी ही हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो डिस्प्ले है ये आपकी एलसीडी है। अगर एलईडी होती तो केवल यहाँ पे एक ही पत्ता होता लेकिन एलसीडी है तो यहाँ पे आप देखेंगे एक वायर और निकला हुआ होता है यहाँ पे। तो होता क्या है कि ये हमारा CCFL कार्ड है जो हमारे LCD के अंदर एक ट्यूब लगी होती है उसको ग्लो करने के लिए लेकिन LED के अंदर आपका ये नहीं होगा, केवल एक 30 पिन या 40 पिन का कनेक्टर होगा और साइड में से एक बेल्ट LED को जलाने के लिए होती है। तो ये हमारा जो है LCD है और LCD का साइज अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे हम साइज को नापते हैं तो जो भी हमारी डिस्प्ले होती है उसको नापने का तरीका इस तरीके से होता है क्रॉस में। और दूसरा यह है कि आप देख सकते हो यहाँ पे HT 4141 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 14.1 की LCD है ये। और अभी मैं क्या करूँगा कि डिस्प्ले का पत्ता मैं लगा देता हूँ इसमें और डिस्प्ले के इसमें क्या है कई बहुत से लैपटॉप के अंदर जो
डिस्प्ले केबल होती है उसी के अंदर हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन होता है, यानी कि इस CFL के लिए चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले केबल अलग है और इन्वर्टर को चलाने के लिए केबल अलग दी गई है। तो मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में भी बताऊंगा कि बैकलाइट को चलाने के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं इस डिस्प्ले के केबल को लगा लेता हूँ, जो कि अभी मेरे निकालने पर निकल गई है, और निकालने के बाद इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो चीजें डिस्प्ले के लिए, एक तो है ग्राफिक बनाने के लिए, दूसरा है हमारे बैकलाइट को जलाने के लिए, क्योंकि जब लाइट जलेगी तभी हमें ग्राफिक विजुअल दिखेगा। और आप देखेंगे कितना सारा जंक लगा हुआ है इसमें और ये गल गया है, और जिसके वजह से ये बोर्ड में प्रॉब्लम आई है। तो अभी मैं इसको अच्छे से रखूंगा, और रखने के बाद मैं इसको वोल्टेज चेक करूंगा कि इसमें मेरी डिस्प्ले आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा एक्सटर्नल डिस्प्ले आ रहा है, तो मैं दोबारा से इसमें एक्सटर्नल बीजे केबल पे प्लग कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसकी वोल्टेज को चेक करूंगा। तो पहले मैं दोबारा से देखूंगा कि क्या मेरी डिस्प्ले यहाँ पे शो हुई कि नहीं हुई, और मैं इसको नॉर्मली ऑन करता हूँ। तो जैसे ये ऑन होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये डिस्प्ले आएगा, इसमें भी देख सकते हैं डिस्प्ले आ गया, SCL का लोगो आ गया हमारा, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा गौर से देखना चाहूंगा कि यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर बैकलाइट नहीं जल रहेगा तो अभी यहाँ पे क्या है, या तो वाइट होना चाहिए था या ग्राफिक आना चाहिए था, कुछ भी नहीं आ रहा है, ना लाइट जल रहा है ना इसका ग्राफिक बन रहा है मुझे। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका वोल्टेज चेक करूंगा। तो वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को मैं वोल्टेज रेंज पे रख लेता हूँ, और इसके बाद और अब मैं क्या करूंगा कि जो हमारा ये इन्वर्टर कार्ड है यहाँ पे इनकी पिनों पे वोल्टेज चेक करूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे को तीन पिन हमारे काम की होती हैं, और वैसे इसमें चार पांच पिनें भी होती हैं। तो आप देखेंगे एक पोल हमारी जो होती है ग्राउंड के लिए होती है, और दूसरी पोल हमारी 18 वोल्ट यानी कि जो हमारा अडैप्टर का वोल्टेज है 18 वोल्ट या बैटरी का वोल्टेज, वो डायरेक्ट हमारे CFL में आता है, जिसे हम ऑलवेज वोल्टेज भी कह सकते हैं। दूसरा होता है इस कार्ड को इनेबल करने के लिए, क्योंकि जब इनेबल होगा तब यहाँ से इस ट्रांसफार्मर से सप्लाई बूस्ट होकर हमारे CCFL के लिए जाएगा, जिससे हमारा लैंप जलेगा। और तीसरी पिन एक और होती है जो हमारी ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए होती है, लेकिन अभी हमें ब्राइटनेस एडजस्टर से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए, एक तो ग्राउंड चाहिए प्रॉपर, दूसरा हमें 18 वोल्ट चाहिए प्रॉपर, और तीसरी पिन पे इनेबल वोल्ट 3.3 वोल्ट चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करना चाहूंगा कि यहाँ पे मुझे वोल्टेज मिलनी चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे वोल्टेज 18 वोल्ट नहीं मिल रही है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट पिन पे जाऊंगा, देखेंगे यहाँ पे मुझे 3.3 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब है इनेबल वाली वोल्टेज तो मेरी आ रही है, पर यहाँ पे 18 वोल्ट आनी चाहिए, 18 वोल्ट नहीं आ रही है। तो अगर मेरा ये 18 वोल्ट मैं पहुँचाऊंगा इसको, तो मैं एक बाईपास करके भी अपने पास से दे सकता हूँ। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि मेरे पास एक जम्पर वायर है, तो इसको मैं सप्लाई मशीन में टच करा लेता हूँ, क्योंकि 18 वोल्ट ही मुझे देनी है, तो मैं 18 वोल्ट अपने पास से यहाँ से दे देता हूँ। तो ये मैंने कनेक्टर लगा लिया है, और बैकलाइट अगर मैंने यहाँ से कनेक्ट करने पर मेरी लाइट जल जाती है तो मुझे 18 वोल्ट को फुलफिल करना होगा। तो अभी मैं इसको, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लगा लिया, एक तार मैंने ग्राउंड पे लगा लिया है, और इसमें 18 वोल्ट मेरी आ रही है, और मैं यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, इस फ्यूज पे टच कराऊंगा, अगर मेरी लाइट जल जाती है तो फिर मैं इस केबल को चेक करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करने से मेरी डिस्प्ले मुझे दिखा रही है, जैसे मैं हटा रहा हूँ तो देखेंगे यहाँ पे मुझे बैकलाइट नहीं जल रही है, और जैसे ही 18 वोल्ट टच कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नजर आ रही है, देख सकते हैं आप। और इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 18 वोल्ट नहीं आने के वजह से मेरी ये बैकलाइट नहीं जल रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस केबल को चेक करूंगा, अगर ये मेरी केबल खराब है तो केबल को मैं रिप्लेस करूंगा या फिर एक जम्पर वायर डालूंगा इसमें, और अगर केबल ठीक है तो मैं 18 वोल्ट के ट्रैक को चेक करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे DC जैक भी है, तो हो सकता है कि हमारा ट्रैक या जो उसके ट्रैक में कोई कंपोनेंट हो वो गल गया हो। तो मैं अभी इसको बंद करूंगा, अब बंद करने के बाद आप देखेंगे हमारी एक्सटर्नल डिस्प्ले भी चले गई है और ये हमारा बंद हो गया। अब इसके बाद मैं इसकी कंटिन्यूटी मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखूंगा, और कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखने के बाद मैं सबसे पहले जो 18 वोल्ट का हमारा जो फ्यूज है यहाँ से इसका ट्रैक चेक करूंगा कि यहाँ पे मेरा ट्रैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे कि देख रहे हैं मुझे कंटिन्यूटी मिल रही है, तो इसका मतलब है जो इन्वर्टर की जो वायर है हमारी 18 वोल्ट की वो क्लियर है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं आपको कैमरे में भी दिखाना चाहूंगा इसको कि ये कैसे गला है। तो आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। मैं इसका डिस्प्ले कनेक्टर को निकाल लेता हूँ,
और अभी मैंने ये देखना है कि मेरा 18 वोल्ट का ट्रैक कंप्लीट है कि नहीं है, और या कोई कंपोनेंट ब्रेक हुआ है। केबल को भी निकाल देता हूँ और आपको मैं कैमरे पर जूम करके दिखाऊंगा इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पे वाटर डैमेज की वजह से हमारे ट्रैक कुछ गले हुए से दिख रहे हैं, और इसके नीचे भी मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो और आप देखेंगे जो 18 वोल्ट की कंटिन्यूटी आ रही थी मुझे इस पोल पे आ रही थी, और वाटर डैमेज की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक कंपोनेंट मिस दिख रहा है यहाँ पे। और सबसे पहले मैं इसकी कंटिन्यूटी यहाँ से, जैसे कि मुझे दिख भी रही है कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल में, और यहाँ पे एक कॉइल लगी है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे L1 लिखा हुआ है या जो भी लिखा है, लेकिन L है। तो यहाँ पे एक कॉइल थी, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक चेक करूंगा। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा DC जैक है, तो यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक करूंगा। अगर यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी आ रही है मेरी, और यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी आ रही है, तो मैं इसको जम्पर कर दूंगा। तो मैं मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर रखूंगा, और बी पॉइंट पर रखने के बाद सबसे पहले मैं जो हमारा DC जैक है, मैं कैमरे में दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा DC जैक का पॉजिटिव पोल है, और यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रही है, और यहाँ पे चेक करूंगा मैं कि क्या मेरे को यहाँ कंटिन्यूटी मिल रही है। तो यहाँ कंटिन्यूटी मुझे डायरेक्ट तो नहीं मिल रही है, देखते हैं यहाँ से यहाँ कनेक्शन कहाँ आ रहा है ये देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तो मेरे को कंटिन्यूटी मिल रही है, पर यहाँ से जो कंटिन्यूटी यहाँ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो ये वोल्टिंग सेक्शन से होके आएगी, यानी कि जो दो हमारे मॉस्फेट होते हैं उनसे पार होकर CLR पे आती है, CLR के बाद यहाँ पे आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, जब अडाप्टर लगाता हूँ तो मुझे क्या यहाँ पे 18 वोल्ट मिल रही है ये चेक करता हूँ। तो मैं इसको दोबारा से 18 वोल्ट देता हूँ सप्लाई को, और 18 वोल्ट 19 वोल्ट चलेगा। तो जब मैं इसको प्लग करता हूँ, प्लग करने के बाद ऑलवेज वोल्टेज, क्योंकि CLR से जो वोल्टेज निकलेगी वो ऑलवेज वोल्टेज ही होती है, तो इसको मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि क्या मुझे उस पोल पे 18 वोल्ट मिल रही है। तो देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 18 वोल्ट मिल रही है। तो मैं अब जो दो पॉइंट है उनको मैं पेस्ट लगाकर सोल्व कर दूंगा, और उसके बाद चेक करूंगा कि क्या मेरी प्रॉब्लम ओके हुई। तो बिगनर स्टूडेंट मेरी वीडियो को पूरा देखें, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन जब भी काम सीखा होगा तो ये सब चीज़ें उस समय बहुत आनंद देती हैं, जब कोई काम अपने हाथ से होने लगता है। तो देखता हूँ जम्पर सही से लग गया तो काट दूंगा इसे, ठीक है। तो अब दोबारा चेक करूंगा इसको, अब क्या मेरी डिस्प्ले आई ये चेक करेंगे हम। ये मैंने CCFL के लिए लगा दिया इन्वर्टर के लिए, और ये हमारी डिस्प्ले केबल है। तो इनको अच्छे से लगाएं, ये लगा दिया है, और अब मैं अडैप्टर लगा के चेक करूंगा कि अभी हमारे को इम्पीडेंस कितना मिल रहा है। बेसिक इम्पीडेंस वही 16 के आसपास जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें वोल्ट इन हो गया है। और अब मैं इसको ऑन करूंगा, तो देख सकते हैं ऑन हो गया है। अब डिस्प्ले देखना है मुझे यहाँ पे, कि मेरा डिस्प्ले अभी भी नहीं आया, क्योंकि मुझे 18 वोल्ट जो मिलनी चाहिए थी शायद वो अभी नहीं पहुँची है, जम्पर प्रॉपर नहीं हुआ मेरा। तो अभी मैं दोबारा यहाँ से देखेंगे, मेरा जम्पर क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं जम्पर को दोबारा से लगाऊंगा। चेक करते हैं कि मेरा जम्पर अगर प्रॉपर हो गया है तो ये डिस्प्ले आएगा इसमें, और ये ऑन हो गया है। और अब देख सकते हैं मेरी डिस्प्ले आ गई है, और ये जो प्रॉब्लम थी केबल 18 वोल्ट इन्वर्टर पे नहीं जाने के वजह से डिस्प्ले नहीं जल रही थी। तो इस तरीके से आप
यहाँ पे हम लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपको कराएंगे और 100% आप रिपेयरिंग सीखेंगे और अपने लिए अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।